गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर सकते हैं अपने विंडोज़ 11 के अंदर। सो माइक्रोसॉफ्ट एज को एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करने के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करना है। एंड ओपन कर लेने के बाद गाइस, आपने जाना है थ्री डॉट्स पे। जाने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। आपने जाना है सेटिंग्स में। एंड सेटिंग्स के अंदर गाइज़, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का। आपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक कर लेने के बाद गाइज़, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, मेक माइक्रोसॉफ्ट एज योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। तो आपने यहाँ पर मेक डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक कर लेने के बाद गाइज़, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है वो एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट हो जाएगा, राइट। इसके अलावा गाइज, हमारे पास जो दूसरा तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एज को एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करने के लिए, आपने जाना है सर्च पे। सर्च पे जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ऐप्स, एंड देन आपने ऐप्स सेटिंग्स में जाना है। ऐप सेटिंग्स में जाने के बाद गाइज, यहाँ पर आपने जाना है ऐप्स में। एंड ऐप्स में जाने के बाद गाइज, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट ऐप्स का। आपने डिफ़ॉल्ट ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक कर लेने के बाद गाइज, यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट एज को। एंड देन आपने माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइज, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मेक माइक्रोसॉफ्ट एज योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। तो आपने यहाँ पर सेट डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक कर लेने के बाद गाइज, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है वो एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सेट माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इन विंडोज़ 11। आप विंडोज़ 11 के अंदर इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।